बजरंग दल बजरंग बली के बीच मची खींचतान, सियासी तौर पर भुनाने की हो रही कोशिश, बीजेपी और विपक्ष के बीच तकरार, कर्नाटक को जीतने की हाहाकार। कर्नाटक के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति में सियासत का रंग अब भगवान के रंग में रंगा नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस इसे बीजेपी का एजेंडा करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की भगवान से नफरत करार दे रही है। आखिर ये सियासत की लड़ाई भगवान तक कैसे आई, इस पर नजर डालते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे किए और जिसके बाद उठा सियासी भूचाल अब कर्नाटक से निकलकर सोशल मीडिया से होता हुआ कांग्रेस और बीजेपी के लिए जीत का रास्ता बन गया है। एक तरफ कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसका विरोध कर बजरंग बली का अपमान बता रही है। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ना कितना सही है। बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर। बजरंग दल एक संस्था का नाम है। किसी संस्था का नाम होने से वो बजरंग बली नहीं हो जाता है। संस्था जैसा आचरण करेगी वैसी ही उसकी छवि होगी। बजरंग दल के लोगों ने जैसा काम किया होगा उसी के आधार पर उनकी समाज में छवि है। बजरंग दल नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य करने की बात करता है, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में उसका अभी तक कोई काम नहीं दिखाई दिया है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि बजरंग दल एक संगठन है और बजरंग बली उन लोगों के लिए भगवान है जो उनके प्रति आस्था रखते हैं। इस बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी का भी बयान सामने आया है। जो लोग बैन करने की बात कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं, जो बचाने की बात कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। धर्म एक फुटबॉल हो गया है, कोई इधर से किक मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने जैसे ही बजरंग दल को बैन करने की बात कही, इसके साथ ही उसने पहले से ही बैन पीएफआई को भी बैन करने की घोषणा की। इसके बाद भाजपा ने सियासी जंग छेड़ दी है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से जुबानी जंग जारी है, लेकिन सवाल है कि कर्नाटक जहां की 80% हिंदू आबादी है, ऐसे में सवाल है कि आखिर कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में इस तरह से हिंदूवादी संगठन को बैन करने के पीछे क्या रणनीति रखती है, उसे इसका लाभ कर्नाटक में कैसे मिलेगा। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में इस तरह से बजरंग दल को बैन करने की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो एक आइडियल घोषणा पत्र होता है उसमें पार्टियों को ये बताना चाहिए कि वो सरकार में आने के बाद लोगों के लिए क्या योजनाएं लेकर आएंगे, उनका विजन क्या है, विकास कार्यों को कैसे किया जाएगा, गरीबों के लिए क्या योजनाएं होंगी। कांग्रेस ने अपने पैर में इस तरह से कुल्हाड़ी मारी है कि उसने भाजपा को एक मौका दे दिया है। नहीं तो अभी तक कांग्रेस का प्रभाव अच्छा चल रहा था। अभी तक जितने भी सर्वे हुए उसमें भी यही दिख रहा था कि इस बार के कर्नाटक चुनाव में मुद्दे ज्यादा हावी हैं। अभी तक महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे चुनाव में छाए हुए थे, लेकिन घोषणा पत्र में इस तरह के स्टेटमेंट से कांग्रेस के लिए थोड़ा सा बैकफायर हुआ है। कांग्रेस ने भाजपा को एक हथियार जरूर दे दिया है, क्योंकि भाजपा इसे जिस तरह से उपयोग करेगी वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की आड़ में सियासी मायने हल करने की कोशिश की जा रही है।